हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों, आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में हमें गीजर की काफ़ी ज़रूरत होती है और सर्दियों के मौसम में अगर गीजर खराब हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक गीजर है मॉर्फी रिचार्ड का। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं आ रहा है, यानी इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो इसको आप कैसे सही करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा और भी जानकारी आप जान पाएंगे कि गीजर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो करना कुछ भी नहीं है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें, ध्यान से देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, तार लगा हुआ है गीजर का यहाँ पर, लेकिन इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं आ रहा है, ना ही ये वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? मॉर्फी रिचार्ड का ये गीजर है, मतलब जो आजकल आ रहे हैं नए वाले गीजर, वो वाला गीजर है। इसमें टेम्परेचर भी शो करता है और इसमें इंडिकेटर भी आता है, लाइट यहाँ पर आ रही है, वायर हमने लगा रखे हैं, लेकिन इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, कैसा भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आप इसको कैसे सही कर पाएंगे? छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लें, काफ़ी अच्छी नॉलेज इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक भी रुपये का खर्चा आपका इसमें नहीं आएगा इस कंडीशन में, अगर ये प्रॉब्लम आपके गीजर में आ जाती है तो। तो यहाँ पर आप देखें, ये देखें आप यहाँ पर, ये मॉर्फी रिचार्ज का गीजर है। तो आपको क्या करना होगा, जब ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पर इसमें दो पेच लगे हुए होते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इनको खोल लें और ये आसानी से खुल जाएंगे। यहाँ पर देखें, ये खुल गया है। फिर इसके बाद पेच किस लगा के थोड़ा सा नीचे आप इसको कर लें। अगर आपको अलग करना है तो इसकी पाइप आपको खोलनी पड़ेगी, लेकिन मुझे इसकी रिक्वायर नहीं है क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या फॉल्ट है। तो आप यहाँ देखें, अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट होगा तो आपको वायर वगैरह दिख जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या फॉल्ट है। इसमें जो फॉल्ट है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारे दो ऑटो कट होते हैं, एक हाई ऑटो कट होता है, एक नॉर्मल होता है। जब नॉर्मल कट होता है तो एक इंडिकेटर हमें दिखाई देता है पावर का, लेकिन जब हाई ऑटो कट ऑफ हो जाता है तो यहाँ पर हमें कोई भी इंडिकेटर नहीं आता है, फिर इसको हमें मैनुअल प्रेस करके करना होता है। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला ऑटो कट, इसमें एक ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बाहर निकला हुआ है। अगर ये सही होगा तो ये अंदर की तरफ रहेगा, अगर ये हाई ऑटो कट हो जाएगा तो ये बाहर की तरफ इसकी पिन आ जाती है। तो अभी मैं आपको इसको चेक करके बताऊँगा। इसके अलावा और भी आप वायर वगैरह देख लें, कोई स्पार्किंग वगैरह तो नहीं है, कोई जला हुआ तो नहीं है। इसको आपको प्रेस करना होगा, ये इसको प्रेस करने के बाद समझो आपका गीजर ओके हो गया है, क्योंकि ये ऑटो कट हो जाता है तो बाहर आ जाती है। और इसके बाद आप कोई वायर वगैरह चेक कर लें और इसको फिर हम जब वायर लगा के देखेंगे तो अभी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। तो ये हाई ऑटो कट होने के कई कारण हो सकते हैं कि आप या तो खुला छोड़ दें इसको, या फिर ऐसा होता है कि ये बार बार ऑटो कट होगा, मतलब बार बार हाई ऑटो कट ट्रिप हो रहा है। तो फिर आप इसकी जो नॉर्मल ऑटो कट है उसको चेक करवाएं। यहाँ पर हम इसका प्लग लगाएंगे और फिर आपको इसमें चेक करके बताएंगे। यहाँ प्लग लगा दिया है, स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देखें दोनों इंडिकेटर आ गए हैं। ये कैमरे में ब्लिंक कर रहे हैं लेकिन ये एक्चुअल ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, और इसका जो टेम्परेचर मीटर है वो इसका ख़राब हो चुका है फिलहाल। तो ये वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके गीजर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है गीजर, कोई सा भी हो, गैस का, इलेक्ट्रिक का और कोई भी कंपनी का, तो आप हमें कमेंट करें उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम कमेंट के थ्रू आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपने गीजर को सही कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।